हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं, नमस्ते जगन्नाथायो, नमो जसवंतानंदं बलराम, नमो नमः। बलराम नमो नमः। बलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। सिद्धिजनी ज्ञानी गुणी मंडली, आज अध्यायर आलोचना को आपण मान स्वागत जनावु। आज मालिका वचन आम आलोचना करने को जाऊे। ये अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं, मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड। कौन लिखिंट ना, हिंगुला फेर सप्तार मही। हिंगुला फेर से हिंगुला कि ये सतबार मही फेरवे। महापुरुष कही मालिकार कह बाबूरे हिंगुला फेरिबो सप्तबार मही, बुद्धि बल नंटिबो, बुद्धि बल नंटिबो, तुमार नाम रे रघुनाथ भ्रात, से काल रे जुगत हेब, से काल रे जुगत हेब। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्ध ज्ञानी कले हिंगुला फेर सत बार मही, सप्त कले सत बार मही। कौन यार अर्थ, हिंगुला हूँ अग्नि स्वरूप। हिंगुला कले अग्नि अष्टचंडी मानक भितरे माँ हिंगुला हूँ अग्नि स्वरूपा। जाजपुर विरजा एक आम आलोचना करीचे, आपण मैंने जानते अष्टचंडी मानक ना। जाजपुर रहिले विरजा, झंकड़ रहिले सारला, बांकी रहिले चर्चिका, पुरी रे रहिले विमला, काकटपुर रहिले मंगला, बाणपुर रहिले भगवती, समलपुर रहिले समलाई, एवं तालचेर गोपालपुर रहिले माँ हिंगुला। आपण मैंने जानते कि ना, मुझे जाने ना ही। हिंगुला जात्रा जिते बड़े हुई, माँ हिंगुला हूँ अग्नि स्वरूपा। वर्षक थे जो हिंगुला जात्रा पड़े, आज ये जात्रा टी बा पर्वटी को हिंगुला पर्वटी को से मनाती ना, माँ उभा हूँ किमिति उभा हुंती ना, स्थाने स्थाने हटात कि नथिबो निया लागि जीवो, स्थाने स्थाने निया लागि जाए। आउ जेउटी निया लागिबो, आउ जेउ माने व्रताचारी माने थिबे मांकर निकट रे ओल्हिया पढ़ीथिबा व्रताचारी माने, जेउ माने नियमित भाव रे किछि दिन हविष ग्रहण करूथिबे, आमिष ग्रहण करूनथिबे एवं सात्विक अन्न ग्रहण करूबे, से मैंने व्रत ग्रहण करी व्रताचारी होकर माँ का निकट में शरण पशिथे ओलिया पड़ी थी माँ को स्वप्नादेश हेब अमे कई जगार आसंता का उभा हेबी। आप जातु बुझे एक कथा, तालचेर गोपालपुर जातु हिंगुला पीठ बुझे, मालिका वर्णित से पीठ, मालिका वर्णित पीठ माँ हिंगुला पीठ। ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहिले माँ स्वप्नादेश करिवे आसंदा काली ई दिगरे, पूर्व कि पश्चिम कि उत्तर कि दक्षिण, ई दिगरे मु उभा हेबी, गोटे दिगरे मु उभा हेबी। तेणु व्रताचारी माने सकाळ सकाळ उठी नित्य कर्म सारी दिन कौन करिवे ना, सेई दिगरे चलिवे माँ को स्वप्नादेश, जेउं दिगरे हेइथाय सेई दिगरे अन्वेषण रे चलिवे। एवं जाऊँ 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 देखिए गोटे जगार हठात कि निया लगी जाइए, कोईला से खणी से आपण मैंने जानते हैं तालचेर
कोईला चारिआड़े पड़ी था एवं गोटे जगार हठात कि जो निआ लगि जाइथिबो सेठी पूजार्चना करी आ पूजार्चना करी से अग्नि को आनी यज्ञ कुंड रे स्थापना करंदी माँ हिंगुला पीठ से स्थापना करंदी हिंगुला यात्रा हुई ये पर्व तांगर हुई तेणु ही ज्ञानी गुणी मंडली से हिंगुला हूँ कौन अग्नि स्वरूपा अच्युतानंद महापुरुष मालिकारे लिखिले बिना कारण रे स्थाने स्थाने कारण खोजी आपण पाइबे नाही कौ कारण पे निया लागिला शॉर्ट सर्किट पे हो बा कौ जोगु हो गैस जोगु ना शॉर्ट सर्किट जोगु ना अन्य किए लगे देला किछि कारण आपण खोजी की पाइबे नाही पड़ी जुग शेषार धरे सात भार हिंगुला ये पृथ्वी प्रदक्षिण करिबो आपण जानतो अनेक जगार देखिबे जंगल रे निया आज लागिछि लेवा पे कार प्रयास नाही से निया लगेला कि ना छाँ छाँ लगी केमी लगला तेणु जंगल आज ध्वंस भाग बसी एपड़ी जंगल निआ लगी हुत हुत ही जलुची जंगल आज ध्वंस तेणु महापुरुष कहले से हिंगुला हूँ अग्निस्वरूपा तालचेर गोपापुर अधिष्ठात्र देवी माँ हिंगुला अग्निस्वरूपा से हिंगुला कौन हम अपनी युग शेष समय रे ई समय महापुरुष कहले हिंगुला फेरब शपथ बार मही बुद्धि बड़न कुमार नाम रे रघुनाथ भ्रात से काल रे जुगत हेब से काल रे जुगत हेब हे सुजने से काल रे जुगत हेब से काल रे जुगत हेब हे सुजने से काल रे जुगत हेब सत बार मही फेरिबो हिंगुला आपण देखंदो चारियाडे सब निया लागुची किछि दिन तले क्षेत्र में मत निया लगी आप जानते ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष लिखी थे मालिकार जहाँ बर्तमान घटना गुड़िक घटू ता बुझे अनेक धन जीवन नष्ट आहरी आग को ये तो टेलर आग को फिल्म पड़ी पड़ब बारंबार जितेबले बाह्य शत्रु मान अग्निवृष्टि करेंगे आप देखु युद्धर घनकड़ा जो जो क्षेपणास्त्र बाट हो स्थान स्थान निया द्वारा घर द्वारा ध्वंस हो जाए नुह तेणु महापुरुष लिखिचन ये कथा से काल रे क्यों काल ना कली युग शेषार्धर ये घटना घटव बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की आई के सतबार मही फेर ना मेष मास कृष्ण द्वादशी दिन आरंभ हो रेवती मीन जे नव दिन व्यापी कहीं न मिलीब राहा कहीं न मिलीब राहा हे सुजने कहीं न मिलीब राहा कहीं न मिलीब राहा हे सुजने कहीं न मिलीब राहा मेष मास कृष्ण पक्ष हेतिबो द्वादशी तिथि हेतिबो यही दिन रु ही हिंगुला सत बार मही पुणी फेर अनेक अग्नि बीतवा तो संसार देखा दब से समय आसनी आग को आप देखिए मीन राशि शनि थिला बेले चबीश मसीहार सतैश मसीहा समय रे मेष मास हेतिबो वैशाख मास हेतिबो कृष्ण पक्ष हेतिबो द्वादशी तिथि पड़ी थिबो सेही दिन ठारु आप देखिए रेवती मीन नक्षत्र हेतिबो सेही समय रे बिना कारण स्थान स्थान अनेक स्थान रे अग्नि भय जोर देखादेव बहुत अग्नि बीतवा तो संसार से देखादेव आहरी महापुरुष जाई फुल मालिकारे लिखिले कलिकता जे सारा पोड़ी जाली हेब किनार खार जे से तो कली से सजे प्रहर सुजने जे से तो कली से सजे प्रहर सुजने जे कलिकता जे सहर पोड़ी जाली हेब कि नार खार अतीतर कलिकतार निया लगी कि ये नुह आग को हम केत महापुरुष कहले मेष मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि से दिन आप देखिए भयानक अग्नि विधिवात ये पृथ्वी रे देखा देव ये पृथ्वी रे देखा देव अग्नि विधिवात जो धन जीवन अनेक नष्ट महापुरुष कहले महाखेल हेब अपार अपार आदित्य जे न
दक्षिण दिग को हिंगुड़ा बहीण कल्प वृक्ष जाली देव कल्प वृक्ष जाली देव हे सुजने कल्प वृक्ष जाली देव कल्प वृक्ष जाली देव हे सुजने कल्प वृक्ष जाली देव महाखेल हेब पारु अपार आदित्य जे न चलिब अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिदेले पद मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट कले महाखेल अपारु अपार हेब आप देखिए किभली खेल चलो आदित्य जे न चलिब आदित्य कले सूर्य चलिबे ना स्थिर होइजिबे देखिकी प्रकृत रही अग्नि वितवात देखिकी सूर्य होचेन अग्निस्वरूप सूर्य होचेन अग्निस्वरूप तेणु सूर्य चलिब ना अग्नि वितवात संसार देखिकी दक्षिण दिग को हिंगुड़ा बहीण कल्प वृक्ष जाली देव दक्षिण दिगरे अच्छी कौन उत्तर दिग आप देखते सेपट आमर ओडार उत्तर पूर्व पारादीप उत्तर बालेश्वर सैट पश्चिम हूँ संबलपुर दक्षिण दिग रही श्रीक्षेत्रपुर ये दक्षिण दिग महापुरुष कह बाबू दक्षिण दिग को हिंगुड़ा बहीण कल्प वृक्षपट जाली देव कल्पपट जोड़ा कथा महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिजे मालिकार नाम शिवकल्प नवखंड निर्घंट कह बाबू रे कौटी बेसी अग्नि वित्पात हो पूर्व उत्तर हिंगुड़ा मातीबे दक्षिण रे खेल हेब दक्षिण रे खेल हेब हे सुजने दक्षिण रे खेल हेब से जे अनाहत शबद होइब अणचास प्रकाशिब सुण सुजने गुणी बेला काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी पूर्व उत्तर रे हिंगुला मातिबे दक्षिण रे खेल हेब महापुरुष लिखिजे ये कथा से आप श्रीक्षेत्र बुझंतु बा दक्षिण पट बुझंतु ओडिशार दक्षिण बुझंतु बा पृथ्वीर दक्षिण बुझंतु बुझिले महापुरुष कहिले बाबूरे ये दक्षिण रे खेल हेब अनेक धन जीवन नष्ट होबरी मालिका वज्रवाणी करिछन ज्ञानी गुणीमंडली सेथिबे महापुरुष मालिकार आउरी गोटे पद लिखिदेले कौन कहिले बोले सूर्य प्रखर एति किरण सूर्यर हेब जे आपण देखिबे तरुतृणमान सब जाक दलिज तरु आउ कले तृण तरु कले वृक्ष तृण कले घास ये रहा यदि सूर्य ताप बढ़ प्रखर हो सूर्यर खरा प्रखर हो रबिर खरा रबिर रवि कले सूर्यर खरा अति प्रखर हेब महापुरुष लिखिजन ये समय वृद्ध मैने थाऊ थाऊ युवक मैंने टीपरिवे वृद्ध मैंने थे युवक मैंने टीपरिवे से महापुरुष लिखिले कोरे घोर कंदल हो ठावे ठावे अराज्य कहेब देश अराज्य कहेब देश हे सुजने अराज्य कहेब देश धन संपत्ति की अग्नि भखी जीव एक घर तीन कोस सुण सुजने गुणी बेला काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी कले घोर कंदल होइब ठाबे ठाबे अराज्यक हेब देश चारिआड़े घोर कंदल लगी बर्तमान आग को आहरी जोर कंदल लगे देश अराज्यक हेब जमी कई क्या अराज्यक कहले कौन जड़े शासनकर्ता था समेत मानिकी थे गोटे घर भी मूर विहीन हम ताने कौन घर मूर भी जड़े थी समेत मानु थे मूर विहीन के कि क्या जो मानु नी बाप कथा पुह मानु स्वामी कथा स्त्री मानु नीटी कौन ना अण अण घरुआ अर्थात घर मूर भी कहीं मानवे ना कहते बेमुरबिया मूर भी कहीं ना बेमुर सब होते तेरे महापुरुष से कहले अराज्यक हेब देश धन संपत्ति की अग्नि भकीजीव एक घर तीन कोष गोटे घर तीन कोष पर्यंत अग्नि धन संपत्ति की ग्रास करी एक कोष कहले दुई माइल एवं माइलिक केते ना माइलिक होची सतरश षाठी गज सतरश षाठी गज किलोमीटर हिसाब कले केते ना एक पॉइंट छ बुझिले अर्थात डेढ़ किलोमीटर एक माइल कहले डेढ़ किलोमीटर महापुरुष कहते बाबू रे से कौन हम ना तीन कोष
तीन कोश पर्यंत व्यापी जीव एक घर तीन कोश पर्यंत ये निया लगे से लिखिले घोर कंदल ओ ठावे अराज्य कहब देश धन संपत्ति की अग्नि भखी जीव एक घर तीन कोसा एक घर तीन कोसा है सुजने एक घर तीन कोसा एक घर तीन कोसा है सुजने एक घर तीन कोसा मलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जी आप देखु ना जदि गोटे जगार निया लगुच से पूरा व्यापुची आगुरी निया लगुला चाल घर थी चाल घर थी छपर घर थी छण छपर घर थी हाँ निया लगुला गोटे स्वाभाविक कथा खरा दिने हाँ कौन सी अजाणतर जदि कौन अग्नि लग जाऊला तो निया लगुला छण छपर घर बर्तमान आप देख चारे देखिए खोटा चारिड़े कोठा आटी घर कि चाल छपर घर ना चारे कोठा घर तथापि आप देखु अग्नि भीतवा तो देखा दिया चारिड़े लगुच ये कौन महापुरुष कहे हिंगुला फेर सप्त बार मई ये तो टेलर फिल्म पड़नी आग को हिंगुला सत बार मई जो फेर से एक घर महापुरुष कहले तीन कोश पर्यंत व्यापी जीव अग्नि एवं से अग्नि धन संपत्ति की अग्नि भक्षी जीव अनेक धन जीवन नष्ट पुणी कहले काला नहल नामे हिंगोला बहिव जलधारा सोखी जीव मेघ माने सुन्ने धूम्र वर्ण हेबे कदर्ज्य होइब जीव कदर्ज्य होइब जीव हे सुजने कदर्ज्य होइब जीव कदर्ज्य होइब जीव हे सुजने कदर्ज्य होइब जीव काला हिंगुला अग्नि रो अनेक नाम रहिछि अग्नि रो अनेक नाम रहिछि हिंगुलांकर मांकर हिंगुलांकर अनेक ना रहिछि महापुरुष कहे काला नल नामे हिंगुला बहिब जलधारा सुखीजीव काला नल नामे जो हिंगुला बहिब अर्थात सूर्यताप प्रखर हे सूर्यताप ये प्रखर हे जे महापुरुष कहे जलधारा नदीर सुखीजीव पुष्करणर सुखीदेव सुखीजीव नालर सुखीजीव कूपर सुखीजीव बांफीर सुखीजीव सब जलधारा सुखीजीव आप देखिए आग को ये घटना घटव लेखिक रखु महापुरुष लिखिजे उप पुष्करणी रे जल रहा सूर्यतापर प्रखरता जो प्रचंड खरा हेब तो महापुरुष कहते खाली से नुहे आउरी कहले जे मेघ मान शून्य धूम्र वर्ण हे कदर्ज्य होब मेघ मान जो वर्षा करुवे से वर्षा गुड़िक सूर्यताप ये प्रखर हेब जे हिंगुला एभली बहबे ताति एभली बहब हिंगुला कले ताति हिंगुला कले अग्नि से ताति एभली बहब जे संसार रे मेघ मान वर्षा भी नहीं धूआ हो वर्षा जदि हो कौन हम ना सूर्य तापर प्रखर किरण द्वारा ता थुआ हो धूम्र वर्ण हेब कदर्ज्य होब जीव जीव मान कदर्ज्य हे कहीं ना महापुरुष लिखिले निर्दोषी पशु जे गोरु मेष आदि आकाश को चाहे जले सुस्के मीन पंक पी जेने पड़ी थांती ठावे ठावे पड़ी थांती ठावे ठावे हे सुजने पड़ी थांती ठावे ठावे पड़ी थांती ठावे ठावे हे सुजने पड़ी थांती ठावे ठावे ये भली परिस्थिति रे महापुरुष कोजन कले बाबू रे जिमती पंकरे मीन मीन कले गुड़िक पड़ी था पोखरी सुखीगला कौन हुए पोखरी जल जो सुखीज पंख में मूड़ छटपट कि ऊपर को चाहते भी जलजीव गुड़िकऊ बेंग होप होने चातक होपर को चाही था नुह जो जलराशि सुखी जा नदी में हो पुष्करण हो विभिन्न स्थान तेनाली जीव मैने कलीजुगर मनीष मान कौन है ना से आतंकित हे से ही ऊपर को चाहते मेघ को चाहिए रही थे सूर्यताप ये प्रखर हे हिंगुला भली फेर सप्त बार मई से महापुरुष कहते वर्षा मत हेबना।
कले मुनि नष्ट हेबे पाई बहु कष्ट जोगा नळ जाळी देबे धूम्रवर्ण हेब पृथ्वीनाश जीव प्रिय गुणा विंश जेबे प्रिय गुणा विंश जेबे सुजाने प्रिय गुणा विंश जेबे प्रिय गुणा विंश जेबे सुजाने प्रिय गुणा विंश जेबे सुधी यानी ज्ञानी गुणी मंडली ई समय महापुरुष को जन साधारण लोक मानकर कथा छाड़ साधारण लोक मानकर कथा छाड़ मुनि हेबे नष्ट पाई बहु कष्ट जोगा नळ जाळी देबे ऋषि मुनि माने मध्य कलि युगर ए भळी कौन पाप ए भळी दुरात्म ए भळी अनीति ए भळी अन्याय देखिकी निज जोगा नळ रे जोगा नळ रे कौन ना जोगरे बसीथिबे जोगरे बसीथला बेले मध्य तृतीय नेत्र अग्नि बाहर कर दियंती साधु संत ऋषि मुनि माने निजर साधनार पराकाष्ठा बल रे तो महापुरुष को जे एभली अनीति अन्याय हेबो जे ऋषि मुनि माने ताको जोगा नळ द्वारा मध्य कौन करिवे ना पाइबो जोगा नळ जाळी देबे संसार मध्य हा उतासन सेत बल हेबो आ धूम्रवर्ण हेबो पृथ्वी नाश जीव प्रिय गुणा विंश जेबे ये संसार धुआ वर्ण हेइबो धूम्रवर्ण हेइबो आपण देखंतु वर्तमान अनेक स्थान रे दिल्ली बम्बे अनेक स्थान रे संसार धूम्रवर्ण मध्य हलानी कारण अनेक कहउचंदी किंतु प्रकृत कारण मालिका कहिची काहे कोन कारण ना हिंगुळा फेरिबो सप्तबार मही बुद्धि बळ न अंटिबो हिंगुळा कले अग्नि हिंगुळा कले सूर्यंकर किरण इबा उताप ये सातबार मही फेरिबो सात थर एबडी उताप जोरे बढ़िबो जहाँ जितिक रहिबा कथा आउरी प्रखर तीनि गुणा बढ़िजिबो सुधी जाने ज्ञाने गुणी मंडली आज तो समय ही आसंत बाणी की विराम दवा श्री प्रभुंकर नाम नहीं भज अनंत गोपाल सत्य धाम भज अनंत गोपाल सत्य धाम हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम भज पतित पावन कल्कि राम भज पतित पावन कल्कि राम जप सत्य सनातन हरे राम जप सत्य सनातन हरे राम भज अनंत गोपाल सत्य धाम भज अनंत गोपाल सत्य धाम सुधी यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंद वाणिज्य ठार विराम दबा पुणी आसंद आथियार भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतरे भवतु प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।